पहली बात तो मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा कि बॉलीवुड मत बोलिए, कृपया करके बॉलीवुड मत बोलिए। मेरे मुझे बहुत दुख होता है, दर्द होता है। दूसरी बात ये कि देखिए, मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, कभी उन्होंने फोर्स नहीं किया मुझे। लेकिन जो लोग बनना चाहते हैं, चाहे कोई लड़का हो या लड़की हो, एक लड़की ने मुझे कहा कि मैं भी इंडस्ट्री में आना चाहती हूँ, लेकिन मेरे परिवार वाले नहीं मान रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं मान रहे हैं तो भगवान ने तुम्हें पंख दिए हैं, उड़ जाओ। क्योंकि मैं भी झूठ बोल के भाग गया था। मैंने कहा था कि मैं यूपीएससी की तैयारी करने जा रहा हूँ दिल्ली, जबकि मैं थिएटर करने जा रहा था। तो दे हैव टू फाइंड अ वे। जब मैं वहाँ पर था तो उस समय कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा, इतना डेवलप्ड कम्युनिकेशन नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन रोड्स अच्छे नहीं थे। पटना पहुँचने में मुझे 2 दिन लग गया था, और पटना से फिर एक ट्रेन पकड़ी जिसमें रिजर्वेशन नहीं था। तो अपने दोस्त के रिजर्वेशन को यूज़ करके मैं नीचे सोया, वो ऊपर सोया। वो कभी नीचे सोया, मैं कभी ऊपर सोया, करते हुए मैं दिल्ली आ गया था। आपको अपना रास्ता बनाना पड़ेगा, किसी भी तरीके से वो काम करना है जो, जिस काम को करने में आपको प्रसन्नता हो रही। क्योंकि जिंदगी भर अगर आप वो काम करेंगे जो आप करना नहीं चाह रहे थे, तो आप तनाव में रहेंगे और अपने परिवार को भी तनाव देंगे। थैंक यू। नेक्स्ट। यस।